बसव कल्याण को, किसी को लूटने नहीं दूंगा और बसव कल्याण को कोई बर्बाद करता होगा तो उसको गाड़ के रखूंगा, इतना मैं बोलता हूँ। शिवाजी महाराज का जो कल्पना था, जो हिंदू साम्राज्य के बारे में उनका सोच था, उसके बारे में एक जानकारी। शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट पहले इतिहास पढ़ो। शिवाजी महाराज किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, किसी जात के खिलाफ नहीं थे, वो हिंदू सम्राट नहीं थे, हिंदवी स्वराज उन्होंने स्थापना करी थी। हिंदवी स्वराज जैसा आप बोलते ना हिंदुस्तान, ಮನಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಾರ್ದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪಾವನನೆಲ್ಲ ಇದು ಪರಿಸಿಕಟ್ಟೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಅಬ್ಜು ಶರ್ಮ ಸಾಹಬ್ ಬೋಲ್ರೆ ಕಿ ಮಂದಿರ್ ಗಯಾನಿ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಗಯಾನಿ, ಚರ್ಚ್ ನೇ ಗಯಾ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಗಯಾನಿ, ಮೈ ಸೀದಾ ಪರಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಐಸೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ವಾಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಆಪ್ राजनीति करना चाहते हैं। संजीव वाड़ेकर ने आज प्रेस मीट बुलाकर बसवा कल्याण एमएलए शरणु सलगार पर वार किया है। संजीव वाड़ेकर ने कहा कि बसवा कल्याण अमन और चैन की भूमि है, लेकिन बसवा कल्याण एमएलए शरणु सलगार मराठा समाज को गुमराह कर रहे हैं और परसकट्टा जैसी डिस्प्यूटेड जगह यानी डिस्प्यूटेड इश्यू पर सियासत कर रहे हैं। पार्क में जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग में जवाबदार आदमी बोल रहे शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट पहले इतिहास पढ़ो। शिवाजी महाराज किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, किसी जात के खिलाफ नहीं थे, वो हिंदू सम्राट नहीं थे, हिंदवी स्वराज उन्होंने स्थापना करी थी। हिंदवी स्वराज जैसा आप बोलते ना हिंदुस्तान, भारत देश बोलते ना, किधर भी इंडिया बोलते ना बाहर गए तो जिस तरह हिंदुस्तान आप बोलते थे वैसे शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज उन्होंने स्थापन करी थी। तो ये किसी वोट बैंक के वास्ते या समाज समाज में पेड़ निर्माण करने के लिए कोई अगर ये करता होगा तो मैं यहाँ का बसव कल्याण का भूमि पुत्र हूं, ये कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, होने भी नहीं दूंगा मैं। ये हमारा शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ो, पहले पढ़ो, आप गूगल पे सर्च करो, आपको जितना चाहिए उतना शिवाजी महाराज का इतिहास मिल जाएगा। शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान नहीं थे क्या? डजनों से मुसलमान उनके साथ में थे, वो भी अंगरक्षक थे, उनके साथ में युद्ध जीत के लाए सो कई मुसलमान उनके साथ थे। हाँ, वो शिवाजी महाराज खिलाफ थे, इनके खिलाफ थे, जो बाहर देश से आए हुए मुगल मुसलमान जो थे उनके खिलाफ थे, वो भारतीय मुसलमान के खिलाफ कभी भी नहीं थे। तो पहले इतिहास पढ़ के आप जिम्मेदार लोगों ने बात करना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर रहते हैं तो समाज समाज में तेढ़ निर्माण नहीं होनी चाहिए। मैं मुस्लिम जो लोग उनके साथ में थे, कितने लोगों के नाम ऐसा मैं बताऊं, सिद्दी हिलाल थे, दरिया सारंग थे, दौलत खान थे, इब्राहिम खान थे, काजी हैदर थे, सिद्दी इब्राहिम थे, सिद्दी वहाब थे, नूर खान बेग थे, श्यामा खान थे, उस्कान थे, सिद्धि मिस्त्री थे, सुल्तान खान थे, दाऊद खान थे और मदारी मेहतर, तो आप सबको मालूम है जी इन्होंने कितना शिवाजी महाराज के साम्राज्य में इन्होंने उनका रोल था। तो भाइयों, शिवाजी महाराज के नाम से कोई हिंदू उनको कोई वोट बैंक बनाता होगा, समाज समाज में कोई पेड़ निर्माण करता होगा तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, शिवाजी जयंती के लिए शिवाजी, मैं खुद मैं बोलता हूं, मैं शिवाजी महाराज का सच्चा इतिहास बाहर आना चाहिए और शिवाजी महाराज का जो आचार विचार थे उनकी जयंती होना चाहिए। ये मैं सबको मेरे बसव कल्याण वासियों को विनती करता हूँ और मैं खुद शिव प्रेमी हूँ तो शिवाजी महाराज के नाम को ऐसा किसी में धब्बा लगने नहीं दूंगा। तो इतना मेरे बसव कल्याण वासियों को मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का असली इतिहास पढ़ो, उसके बाद ही ये बाकी गैर जिम्मेदार आदमी की सरकार जो बात करते हैं उन बातों पे ध्यान मत दो। हमारे शरणु साहब शलगर साहब का पढ़ा कुछ परस कट्टे का ओपनिंग कर रहे थे वो, तो ओपनिंग कर रहे उसके बारे में उसके स्टेटमेंट मैंने सुना, उस स्टेटमेंट में बोल रहे हैं
मैं जब फर्स्ट टाइम विन हो गया, विन होते ही मैंने सीधा परस कट्टे को आके मैंने नमन किया। मैं मंदिर गया नहीं, मस्जिद गया नहीं, अंबेडकर स्टैच्यू गया नहीं, किधर नहीं गया, तो मैं सीधा परस कट्टे पे गया। तो वो मुझे, जहां तक मुझे जानकारी है, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूं, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके लिटिगेशन है। पहले आप विश्वास में लो, हम कुछ करना है, हम महात्मा बसवेश्वर जी के यहाँ की कर्मभूमि है, हम उसके हमारा अभिमान है हमको। लेकिन सबको विश्वास में लेके, सबको आश्वासन दे के उसका ओपनिंग कर रहे, तो वो हमें खुशी होता था। दूसरी बात, आप जो शर्मा साहब बोल रहे हैं कि मैं मंदिर गया नहीं, मस्जिद गया नहीं, चर्च में गया, अंबेडकर स्टैचू गया नहीं, मैं सीधा परस कट्टे पे। क्या आप ऐसे लिटिगेशन वाले डिस्प्यूटेड इशू को लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं? यही मेरा सवाल है। तो मुझे क्या ऐसा लगता है कि आपको क्या मंदिर नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू नहीं चाहिए, खाली आपको वो डिस्प्यूटेड एरिया उतना ही चाहिए परस कट्टे का? तो मैं बसवा कल्याण वासियों को, सभी को मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, कोई भी ऐसे किसी बहकाने की वजह से कोई आप एक दूसरे समाज में टेढ़ हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक बसवा कल्याण का जिम्मेदार नागरिक हूँ, ये दावे के साथ मैं बोलता हूँ। और ये बसवा कल्याण के, आज तक भारत स्वतंत्र हो गया तभी से बहुत लोगों ने लूट के चले गए, बहुत लोगों ने मजा मार दिया, लेकिन अभी मेरा उम्र 50 हो रहा है, बसवा कल्याण को किसी को लूटने नहीं दूंगा, और बसवा कल्याण को कोई बर्बाद करता होगा तो उसको गाड़ के रखूंगा, इतना मैं बोलता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।